बलूचिस्तान में क्या हो रहा है कि जनाब उसके साहिल समंदर पर उन्होंने 3D आर्ट से जो है बहुत सारी चीज़ें बनाना शुरू किया, 3D आर्ट करना शुरू किया। और ये जनाब चंद नौजवानों ने साहिल समंदर को ही अपना कैनवस बना लिया और रेत पर 3D आर्ट के ऐसे शाकार बनाते हैं कि जनाब देखने वाले हैरान रह जाते हैं। कुछ फासले पर जो साहिल समंदर से बात की जाए तो कुछ फासले पर जो गीली मट्टी होती है उसकी मदद से ये मुख्तलिफ अशिया और इसके शाकार बनाते हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है कि वाकई कोई चीज़ पड़ी है, ना कि ये सिर्फ आर्ट है। तो ये रोज़ाना दोपहर को साहिल समंदर पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर इस तरह की 3D तर्ज की जो है वो चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो ग्लास है, बाल्टी है, कलम है, बोतल है, कई अशिया जो है वो 3D आर्ट के तौर पर बनाते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान में आउटडोर 3D सैंड आर्ट को जो है मुतारफ भी करवाया है। अब टेम्प्ररी होते हैं डेफिनेटली फन पारे, क्योंकि जब ब्लेयर या हवा चलती है तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इनकी खूबसूरत तख्लीक जो है डेफिनेटली दाद की मुस्तहक है। तो जनाब ये थी रिसर्च जो हमने आपके साथ शेयर की है मुख्तलिफ आर्टिस्ट के हवाले से, और बलूचिस्तान की जब मैंने बात की है तो डेफिनेटली फिर ये हमारा सारा कहने एक लोकल टैलेंट है जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए।